तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिर्च का अचार, जो कि सर्दियों का बहुत स्पेशल अचार है। और अब ये मोटी वाली जो हरी मिर्चें हैं ना, ये मार्केट में खूब आनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने ये आज हरी मिर्चें ले ली थी आधा किलो, और उसका मैंने ये अचार बनाया है। बहुत ही टेस्टी अचार होता है और मेरे ख्याल से सभी को बहुत पसंद होता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, मैं आपको बताऊंगी अभी कि मैंने किस तरीके से बनाया है अचार। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने ये अचार बनाया था, तो पूरी आप वीडियो को संभाल के देखिएगा, जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो ये मैंने ली है आधा किलो मोटी वाली हरी मिर्चें, और इनमें लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये डार्क ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर की जो मिर्चें होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं अचार के लिए। और इनको मैंने अच्छे से साफ़ पानी से पहले धो लिया था 3-4 बार। उसके बाद मैंने एक किचन टॉवल लेके और उससे इनको पोंछ दिया है, क्योंकि हमें ना इनको बिल्कुल सुखा लेना है पूरी तरीके से। और देखिए, बाहर से तो ये सूख गई हैं, मगर ये अंदर से अभी थोड़ी सी गीली होती है। तो अब करना ये है हमें कि पहले हमें इन्हें कट लगाना है। तो कट लगाते समय भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि बिल्कुल जो डंठल के का ऊपरी सिरा होता है, वहाँ से हमें कट लगाना स्टार्ट करना है। नीचे लास्ट तक पूरा कट लगाना है, जिससे कि मसाला हम इसमें अच्छे से फिल कर सकें। और जो अंदर का गीलापन इसका होता है, वो भी हमें अभी इसका सुखाना है मिर्च का। तो अगर आपको धूप अवेलेबल है आपके घर में इजीली, तो आप इनको इस तरीके से खोल खोल के मिर्चों को धूप में रख सकते हैं, किसी बड़े थाली में या किसी बड़ी ट्रे में। और अगर धूप अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको पंखे में भी 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, तो ये अंदर से ड्राई हो जाएगी। अब जो मैंने कुछ ये मसाले लिए हैं, इसमें जो रोस्ट करके मुझे पीसने हैं, तो ये मैंने लिए हैं पीली वाली सरसों 2 चम्मच, 6 चम्मच मैंने लिए सौंफ मोटी वाली, और ये सब मैं आपको टी स्पून का नाप बता रही हूँ। और ये है 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच मेथी दाना, और ये 2 चम्मच है धनिया साबुत वाला, और 2 चम्मच ही जीरा लिया है मैंने, और 2 चम्मच मैंने ये लिए काली सरसों, जिसे राई भी कहते हैं, और ये है कलौंजी या मंगरेल, जिसे कुछ लोग मंगरेल कहते हैं। और इन सबको अब हम कर लेंगे पहले ड्राई रोस्ट। तो मैंने एक पैन गरम कर लिया है और गैस को कर दिया सिम, और ये सारे मसाले मैंने इसमें करके, और इनको मुझे केवल 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करना है, और फिर गैस बंद कर दूंगी, तो ये गरम पैन में ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे ये। और अब इनको मैंने ठंडा करके इनको मुझे पीस लेना है। तो हमें इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, रफली पीसना है। तो मैंने इसको हल्के हल्के इसको पीस के, और ये देखें, आप देख सकते हो कि इसमें सौंफ के और मसालों के दाने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारा मसाला तैयार है। तो चलिए, अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं मिर्चों में भरने के लिए। तो ये जो हमने मसाला अभी पीस के रखा है, हमने ये ले लिया, और इसके साथ मैं लूँगी कुछ पाउडर मसाले। तो ये मैंने लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 ही चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच मैंने ये लिया है अमचूर पाउडर, जिसे खटाई भी कहते हैं, और साथ में मैं ये ले रही हूँ हींग। तो हींग मैंने थोड़ी ली है, मतलब 1/2 चम्मच से भी कम ली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है सॉल्ट। तो जितना हमारा मसाला सारा बैठेगा, उसका एक हिस्सा, मतलब कि 1/4 हिस्सा जो है हमें नमक लेना है उसका। और इन सबको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब इनको मिक्स करने के लिए हम इसे पानी नहीं मिलाएंगे, इसमें हम लेंगे पहले विनेगर। तो मैं 1/2 कप या 1/2 कटोरी ले रही हूँ विनेगर की। विनेगर से हमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारा अचार में थोड़ा खट्टापन आता है, और दूसरे जो हमारा अचार है वो ख़राब नहीं होता। तो ये 2 1/2 कप विनेगर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और ये ध्यान रखें कि इस मसाले को हमें बहुत गीला नहीं करना है, हमें थोड़ा सूखा सूखा ही रखना है। और ये सरसों का तेल है, जो मैंने पका के और ठंडा करके एक बॉटल में भर के रख लिया था, तो थोड़ा सा मैंने ये सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ये सब चीज़ों को, और ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा मिर्चों में भरने के लिए। तो ये देखिए, मैंने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया बाद में। और चलिए, अब भर लेते हैं अपनी मिर्चें हम। और मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें सारे मसाले ले लिए हैं मैंने थोड़े थोड़े।
और ये मिर्चें अब मेरी अच्छे से सूख चुकी हैं, मैंने पंखे में सूखने के लिए रख दी थी और अब मैं इन्हें फिल कर लूँगी। तो मसाला हमें अच्छे से भरना है ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक उंगली से दबा दबा के भरना है मसाला। और फिर हमें मिर्च को इसको दबा के बंद कर देंगे ऊपर से, मतलब जितना इजीली बंद हो सकता है। और इस तरीके से मैं ये सारी मिर्चें भर के रख लूँगी। तो दोस्तों आप बताइए आपको मिर्च का अचार कैसा लगता है। विंटर्स में तो पूरी, पराठे, खिचड़ी, हर चीज़ के साथ मिर्च का अचार सबको पसंद आता है और मेरे घर में भी सबको बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आता होगा और इन दिनों में सभी लोग डालते भी हैं मिर्च का अचार। तो देखिए ये मैंने सारी मिर्चें भर ली थी, अब मैंने एक जार ले लिया है और इसको भी मैंने अच्छे से धो के और सुखा लिया है और अब मैं इसमें ये सारी मिर्चें भर दूंगी। तो इसमें हमें जो एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि इसमें हमें एयर नहीं छोड़नी है, तो कोई भी खाली जगह हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। अचार में मिर्चों को दबा दबा के साइडों में जगह बना बना के हम पूरी तरीके से इसको टाइटली भर देंगे। तो ये सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे ना तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से ही हम अचार, कोई सा भी अचार है, मैं आम का अचार भी इसी तरीके से भरती हूँ या जो भी अचार बनाती हूँ इसी तरीके से तैयार करती हूँ। और ये देखिए मैंने सारी मिर्चें इसमें भर दी हैं। डंठल मैंने नहीं काटे थे, अगर आपको काटने हैं तो आप काट सकते हैं। डंठल वाला अचार जो है बस थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने नहीं काटे। और जो मसाला बाद में बचा था वो भी सारा मसाला मैंने इसमें ऊपर से भर दिया। तो होगा ये कि अब धीरे धीरे ना नमक और विनेगर जब एक्टिवेट होगा तो ये मिर्चें हमारी गलनी शुरू हो जाएंगी और अचार हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो के नीचे को दब जाएगा, मतलब ऊपर जगह बन जाएगी। तो ये मसाला भी जो है मिर्चें अंदर तक पी लेंगी। फिर अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर से जो पका हुआ सरसों का तेल है वो डाल देंगे, जिससे कि सारी मिर्चों में हमारी चिकनाई आ जाए। बहुत ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही तेल डालूंगी। तो मैंने करीब इसमें 2 टेबल स्पून तेल ऊपर से डाल दिया है। अब मैं इसे अचार को बंद करके रख दूंगी और अब इसे लगाऊंगी मैं 4-5 दिन की धूप, तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये अचार बताइएगा ज़रूर।